वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने धरती की सेहत को बचाने के लिए लिया एक बड़ा फैसला। कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस पर 2481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ किसानों को शामिल करने का टारगेट सेट किया गया है। बता दें कि कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में नेचुरल फार्मिंग का पहला एक्सपेरिमेंट 2019 और 20 में शुरू हुआ था। इसका अच्छा रिजल्ट आया, कई लोगों ने इसका बहुत उत्साह के साथ अपनाया। इसके बाद 2022 और 23 में एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके तहत गंगा के किनारे के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का कॉरिडोर लेकर नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग का काम किया गया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट का बहुत अच्छा परिणाम आया। इसके तहत देश में 9.5 लाख हेक्टेयर कवर किया गया। इस सफलता के बाद अब किसान ने इस मिशन की शुरुआत की है ताकि धरती की सेहत अच्छी रहे और लोगों को खाने पीने की चीजें केमिकल फ्री मिले। इस बात का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग या पंचायतें नेचुरल फार्मिंग करने से इच्छुक हैं उनको आगे लाएं, ऐसे लोगों को पूरी मदद दी जाएगी। बता दें कि इस मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति आधारित सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देना, जिससे बाहर से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता कम हो और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो, साथ ही किसानों की इनपुट लागत भी कम हो। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने धरती की सेहत को बचाने के लिए लिया एक बड़ा फैसला। कैबिनेट ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इस पर 2481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ किसानों को शामिल करने का टारगेट सेट किया गया है। बता दें कि कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में नेचुरल फार्मिंग का पहला एक्सपेरिमेंट 2019 और 20 में शुरू हुआ था। इसका अच्छा रिजल्ट आया, कई लोगों ने इसका बहुत उत्साह के साथ अपनाया। इसके बाद 2022 और 23 में एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके तहत गंगा के किनारे के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का कॉरिडोर लेकर नेचुरल फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग का काम किया गया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट का बहुत अच्छा परिणाम आया। इसके तहत देश में 9.5 लाख हेक्टेयर कवर किया गया। इस सफलता के बाद अब किसान ने इस मिशन की शुरुआत की है ताकि धरती की सेहत अच्छी रहे और लोगों को खाने पीने की चीजें केमिकल फ्री मिले। इस बात का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग या पंचायतें नेचुरल फार्मिंग करने से इच्छुक हैं उनको आगे लाएं, ऐसे लोगों को पूरी मदद दी जाएगी। बता दें कि इस मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रकृति आधारित सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देना, जिससे बाहर से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता कम हो और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो, साथ ही किसानों की इनपुट लागत भी कम हो। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।